हेलो फ्रेंड्स, जैसा जो लोग गोवा में चांसेस कसीनो में आए हुए उनको मालूम होगा कि मैं चांसेस कसीनो में आया हूँ। और जब से मैं थाईलैंड से आया हूँ तब से मैं लगभग हफ्ते में एक बार लगातार आ रहा हूँ। लगातार तो नहीं कह सकते, पहले 2 हफ्ते के बाद में मैं लगातार आ रहा हूँ। 2 बार मैं अमजद के साथ आया, 1 बार हम अकेले आए, 1 बार तानिया शुभम के साथ आए और अभी हम आए हैं। तो जैसा मैंने बताया था 30,000 से मैंने एक 42 बनाया था। उसके बाद में एक बार मैं 50,000 लेके आया, तो उस दिन पैसे घटे बड़े वो मैंने वीडियो बना के डाला था। तो सिर्फ 7,000 ही प्रॉफिट होके हुआ था, मतलब 50,000 लाया था, 57 लेके गया, मतलब 7,000 का ही प्रॉफिट रहा। तो इस बार मैंने बजट थोड़ा कम किया और मैंने 30,000 रुपये लेके आया। आज हम दोनों आए कसिनो, तो आज मैं 30,000 रुपये लेके आया था और हम 5:15 बजे पहुंच गए थे। और मेरे को ना दिन में खेलना पसंद है, मैं रात को नहीं खेलता और 2-3 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यू खेलता नहीं। तो आते ही हमने 30,000 की बाइंग करी और खेला हमने। अमाउंट हमारा नीचे 30,000 से नीचे गया था ना अमाउंट कितना, हाँ मतलब 30,000 से खेले। जब खेला तो उसमें मतलब वो हो गए 35,000 38,000 तक हो गए। फिर नीचे भी आया तो 5,000 या 6,000 के करीब नीचे आया था। और उसके बाद मैंने आज जैकपॉट नंबर वाली जो स्ट्रेटजी है वही अपनाई, क्योंकि मेरे पास बैकअप है। अगर ये 30 चले भी जाते तो मैं मेंटली प्रिपेयर था, तो इसलिए मैंने कुछ नंबर पकड़ के उसको फॉलो किया। तो जिसमें से कि 26 नंबर ने 3 बार बचाया हमें, एक बार 12,000 दिए, एक बार 9,000 दिए। और कमाल की बात है कि ये जो दिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने की बेट थी ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे बेट थी 1200 की, पर उसमें 1200 में 500 रुपये लगे हुए हैं अकेले, मान लो उस पर 26 नंबर पर। या कोई बेट 900 की है तो उसमें 400 रुपये 26 नंबर पर लगे। ऐसे करके 3 बार 26 ने बचाया और उसके बाद हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा हो गया, तो 25,000 हो गया था प्रॉफिट। मैंने कहा आज टाइम ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मैं 2-3 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, तो टाइम ज़्यादा हो गया था। तो हमने सोचा कि अब बंद करते हैं, पर कुछ राउंड फिगर में हमने विड्रॉल कर लिए। इसने मुझे बताया, ये मेरे कैशियर होती है, तो इसने मुझे बताया कि अब 25,000 प्लस में है। तो मैंने कहा ठीक है, हम 25 लेके चलेंगे, जो मशीन में है उतने ही खेलेंगे। और वो फिर उसमें भी बढ़ते चले गए, तो फिर हमने उसमें 30 कर लिए, 30 निकाल लिए। हमने कहा कि भी अब जो 1,000 2,000 जो भी बचे हैं, 2-4,000 मशीन में, उसी से खेलेंगे। तो लास्ट में ये हो गया था कि कुछ 2,000 रुपये पड़े थे, तो कुछ नंबरों पे लगा दिए, वो नंबर आ गए। फिर हमने उसको और बढ़ाया। ऐसे करते लास्ट में तो समझ लो 400 की बेट लगाई है, मतलब 4 नंबरों पे पैसे लगाए हैं तो वो आ गई, 3 नंबर पे पैसे लगाए तो वो आ गई। 2 बार तो 3-3 चिप लगाई है सिर्फ, और उसमें बेट आ गई। 150-150 की बेट थी पर, और उसमें भी आए स्ट्रेट अप वाले ही है, मतलब 150 के 1800 ऐसे करते टोटल ओवरऑल और लास्ट में 5-7 हज़ार बढ़ गए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रहा हमारा। और ऐसा मतलब होता है, जैसे मैंने पिछली बार नहीं बढ़ा, तो इस बार मैंने अपना बैकअप 20,000 कम किया, मतलब 50 की जगह मैं 30 लाया। ऐसे बजट आपको डिपेंड करता है, मतलब पहले मैं 30 लाया, 30 से जब 142 हुए तो मैंने अपना बजट 20,000 बढ़ा दिया। पर जैसे ही वो नहीं बढ़ा, 7,000 ही प्रॉफिट में गए, तो मैंने अपना बजट 20,000 कम कर दिया। तो ऐसे करके ना आपको हर बार बजट को मैनेज करना होता है। कभी मैं तो यहाँ पर ये कसीनो ऐसा है कि मैं तो इसमें 3-3 हज़ार रुपये भी लाता था, जबकि 5,000 एंट्री रूल है। पर मैं रेगुलर आता था तो मुझे ये लोग जानते थे, तो मुझे कभी किसी ने टोका नहीं। मैं 3,000 ला रहा हूँ तो भी खेल रहा हूँ। फिर फाइनली फिर 5,000 से किया। शुरू में 5 लाता था पर मेरे को ये टोकते नहीं थे, इसलिए मैं 3 से भी खेला है मैंने यहाँ पर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये तो समझ लो आप जो हम लाए थे, ये एक चिप ना 5,000 रुपये की है। ये 5,000 की एक चिप है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये तो वो 30,000 हो गए जो हम अपने लाए थे, ठीक है। ये अब हम देखते हैं प्रॉफिट कितना है। तो 1 2 3 4 5 25,000, ये 25,000 हो गए, 5,000 की चिप है, ठीक है। और ये 9,000 है, क्योंकि इसमें ये 5 और ये 4 9 और ये 2 500 की है, तो 1,000 10,000 और ये 650 रुपये है। तो ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रिंसिपल है जो हम लेके आए थे, ये हम लेकर के आए थे और ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये 25,000 और ये 9,000 और ये 1,000 और ये 650, मतलब ये 35,650 रुपये हमारा आज का प्रॉफिट है। 30,000 हम लेके आए थे, सोचा तो ये था कि थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगा मैं, मतलब 1 के आसपास, पर क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था तो ये आपको समझना होगा कि अगर टाइम ज़्यादा होगा तो आपका पैसा बनेगा नहीं। अब अगर मैं खेलता ना तो मैं जितना मर्जी बड़ा कलाकार हो जाऊँ, मेरा पैसा घटना था क्योंकि दिमाग हैंग होने लग रहा है। तो अब हमने इसी पे स्टॉप कर दिया। अगर और खेलूँगा तो ये पैसा जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि दिमाग की ये क्षमता होती है कुछ देर तक खेलने की। और ये हमारा, तो आपको ये दिख गया होगा, ठीक है। तो ये चांसेस रिजॉर्ट कैसीनो है। ये मेरा फेवरेट कैसीनो है, गोवा का पहला लैंड कैसीनो है और मैं सबसे ज़्यादा इसी पर ही आता था। यहाँ का स्टाफ भी बड़ा कोऑपरेटिव है और मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। अभी अंदर लाइव म्यूज़िक शुरू हो गया, बस हम ये सामने रेस्टोरेंट एरिया है, हम यहाँ पर खाना खाएंगे और खाना खा करके थोड़ा सा म्यूज़िक देख के सुनेंगे और जाएंगे।